हेलो एवरीवन, आज है 5th ऑफ नवंबर और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए फॉर 4 डेज। एंड ये टेम्पो हमने बुक किया है 32,000 रुपये में। पोस्ट लॉकडाउन ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। ये बीच में एक हमने गद्दा डाला है सो दैट अगर किसी को सोना हो या लेटना हो तो यहाँ लेट जाए। और ये बैक वाली सीट भी हमारे पास अवेलेबल है टू ले डाउन, ये खाली है। हमने 1x1 टेम्पो बुक किया है एक्चुअली सो दैट इट विल बी कम्फर्टेबल बिकॉज लंबी जर्नी है तो और ये पानी का जग हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें अपने साथ में रखी हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी हम तीव्र के लिए यहाँ पे रुके हैं एंड इट सीम्स अ नाइस प्लेस। हम अंधेरे में ही घर से चले थे और अब फिर से अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन यानी कटरा तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग गया रास्ते में। अभी पंजाब के बॉर्डर्स पे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने जाम किया हुआ था टोल को, तो 12 से 4 का उधर जाम था तो वहाँ हम फंस गए। बट हम वहाँ से ऑब्वियसली 4 घंटे हमें नहीं रुकना पड़ा बिकॉज़ उनसे रिक्वेस्ट करके और कैसे करके हम वहाँ से निकल गए थे। बट इवन देन हमारे 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे वेस्ट हुए। 7:30 बजे अराउंड हम लखनपुर पहुंच गए थे जहाँ पे आपके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट चेक होती है और आपकी ऑनलाइन यात्रा पर्ची की अपॉइंटमेंट भी चेक होती है जो कि आपको एडवांस में करा के आना मैंडेटरी है। और 9:15 बजे अराउंड हम जम्मू सिटी पहुंच गए थे, वहाँ पे हमने डिनर किया। अभी होटल पहुँचने में हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। आज के वीडियो का अब हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह। हेलो वंस अगैन, आज है 6th ऑफ नवंबर और सुबह के 6 बज रहे हैं। हम कल रात को होटल में हमने स्टे लिया था। अब ये होटल से जो हमें गाड़ी मिली है ये हमें छोड़ने वाली है एंट्री पॉइंट तक। जो ऊपर आप देख रहे हैं आपको भवन नज़र आ रहा है जहाँ पे हमें जाना है। यात्रा पर्ची हमने पहले ही ऑनलाइन ले ली है, 6th ऑफ नवंबर की हमारी डेट थी इसीलिए आज हम चढ़ाई शुरू करेंगे और आज उस स्लिप को देखने के बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। तो जो भी अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में अपनी यात्रा पर्ची लेके आएं बिकॉज अब वो पुराना वाला प्रोसेस बंद हो चुका है ड्यू टू कोरोना। तो गाड़ी ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है और अब हम प्रिपेयर हो रहे हैं जाने के लिए और वो है हमारा डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है। यह है वो पॉइंट जहाँ पर आके 2 रास्ते बनते हैं। एक नीचे वाला जो रास्ता है यह नया रास्ता है जिसको ताराकोटी मार्ग कहते हैं और जो ऊपर वाला रास्ता है ये पुराना रास्ता है विच इज़ मोर कन्वीनियंट एंड ईजी एंड शॉर्टर देन द न्यू वन। तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स रास्ते में बंद हैं और ड्यू टू लॉकडाउन बहुत इफ़ेक्ट हुआ है लोगों पर। कुछ कुछ शॉप्स जो हैं खाने पीने की वो हमें खुली हुई भी दिख रही हैं बट मोस्ट ऑफ़ द शॉप्स अभी क्लोज हैं। हम काफ़ी पीछे रह गए हैं अपने ग्रुप से क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और सुनील ने आरू को गोदी लिया हुआ है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हमने घोड़ा ले लिया है क्योंकि आरू काफ़ी थक चुका है और वो पैदल नहीं चल पा रहा था और उसको गोदी लेके चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे आरू अपनी फर्स्ट हॉर्स राइड इंजॉय भी कर रहा है। अब हम पहुंच गए हैं इस वेटिंग एरिया में जहां की घोड़े की सेवा समाप्त हो चुकी है और अब हम यहां वेट करेंगे अपने ग्रुप का यानी कि बाकी के फैमिली मेंबर्स का। ये देखिए यहां से व्यू कितना अच्छा है बट इधर बंदरों से बहुत बच के रहना पड़ता है क्योंकि यहां बहुत सारे बंदर हैं। बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ, आ जाओ छोटा मंकी, आ गया आ गया आ गया। चलो बुलाओ बेबी, बुलाओ तोते बेबी को बुलाओ। क्या देख रहे? रुद्रांश बुलाओ, रुद्रांश कैसे बुलाओगे मंकी को? वो छोटा मंकी बुला रहा है आरू आपको, छोटा सा मंकी तोते बुलाओ, बुलाओ तोते बेबी को बुलाओ।
यहाँ पे बैठ। ए खड़े क्यों हो? आजा मिलकर बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। जय माता दी। जैसे कि अब सारी बाकी के फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से चलेंगे बैटरी कार लेने के लिए। ये रास्ता है और आगे जाके टिकट काउंटर है जहाँ से हम टिकट्स लेंगे। ये देखिए, ये बोर्ड है जहाँ पे मेंशन्ड है प्राइस, जाने का 354 रुपीज़ एंड वापस आने का 236 रुपीज़ पर पर्सन। ये इस तरीके की पर्ची आपको अर्धकुंवारी टू भवन, ये मेंशन है 354 रुपये की, और दो नंबर जो पर्ची के ऊपर लिखा था उसका मतलब है कि दो नंबर के बैटरी कार में हमें बैठना है। एक बैटरी कार में मैक्सिमम 7 एडल्ट्स जा सकते हैं। सुबह से लेके अब तक जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है उसमें अभी तक हमें पहली बार सबसे ज़्यादा लोग एक साथ नज़र आए हैं। अदरवाइज़ पूरे रास्ते जो भी हमने कवर किया है हमें लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ हमारा ही अपना 7-8 लोगों का ग्रुप चल रहा था। काफ़ी खाली है, बिल्कुल भीड़ नहीं है इस टाइम। ये है रोपवे स्टेशन का टिकट काउंटर जहाँ से ऊपर भैरव मंदिर जाने के लिए टिकट लेना होगा। ये भवन से वापस आने के बाद हम यहीं से टिकट परचेज करेंगे। इसके अलावा ये है भेंट शॉप जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे हमें सुबह मिसगाइड किया गया कि ऊपर कहीं प्रसाद नहीं मिल रहा है, चढ़ावा भी अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे गवर्नमेंट रेट लिस्ट लगी हुई है, इसमें आप प्रसाद का रेट देख सकते हैं। वो देखो वो क्या है, वो क्या देखो वो, अरे वो रहा अपना पेट मत फुला। देखिए वो क्या देखो रहा, ये क्या है, ये क्या देखिए, ये क्या है। माथा पे लगा ना, अरे कहां जा रहे हो आप? वेरी गुड, चलो आज तो बना कर आ के घर चलो। बीच में कई मूड चेंज हुए। मैं बोल रहा हूँ बैग भी दे दो इसको। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो। हाँ हाँ ये है रोपवे टिकट वैष्णो देवी से भैरव मंदिर जाने के लिए, विच इज 100 रुपीज पर पर्सन। माता के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत खुले दर्शन हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्राउड काफ़ी कम है, लोग कम आ रहे हैं, कम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ शूट नहीं कर पाए बिकॉज सारा सामान जो भी है आपका बैग शूज़ फ़ोन सब कुछ सबमिट हो जाता है और लगेज रूम में आपको वहाँ ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है अदर देन प्रसाद और कैश जो कि आपको चढ़ावा चढ़ाना होता है। तो अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर के लिए। ऊपर जाले, ऊपर जाले आलू, रोप वे से, किधर जाले हम? मवार है भैरव, किसी
पाल की बनाई देना भी अपनी। एक किलोमीटर आगे पे हम। क्या है यार, आवाज नहीं आ रही, इसमें मजा नहीं आ रहा। डीजल का इंजन होना चाहिए। जय भैरव बाबा की। ऊपर क्या, हम पहुंच गए भाई, जा कर हम पहुंच गए। लाइट आई थिंक 5 से 10 मिनट लगे हमें केबल कार से भैरव मंदिर तक आने के लिए, जो कि एक बहुत टफ रास्ता होता था भवन से भैरव मंदिर तक का, और सिर्फ 10 मिनट में हमने वो कवर कर लिया। काफ़ी इजी हो गया अब यात्रा करना, बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो गई। वो ऊपर भैरवनाथ मंदिर है। कितना अच्छा व्यू है ना। ये स्पेशल पॉइंट बना हुआ है फोटोज के लिए। डर भी लग रहा है, नीचे देख नहीं रही। यहाँ उतरते हैं वो हेलीकॉप्टर है ना। हेलीपैड बना हुआ है। ये सामने सांझी छत हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। भैरवनाथ दर्शन करके और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद अब हम वापस आ गए हैं केबल कार की लाइन में। यहाँ से केबल कार लेके अब हम वापस नीचे जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। केबल कार में या फिर ऊपर मंदिर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपना लगेज और सामान लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन फोटोज वगैरह खींचना अलाउड नहीं है। देखो देखो नीचे जा रही है ना, है ना। हाँ नीचे जा रही है, देखो देखो। ओ ये तो बहुत फास्ट जा रही है, है ना। देखो हम तो बहुत ऊपर आए हुए थे, देखो हम तो बहुत ऊपर आए हुए थे। देखना रही, देखो देखो दूसरी गाड़ी आ रही है, देखो 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 दूसरी ऑफ आ रही है, देखो वो आ रही सामने से। हेलो कर दो सबको। हेलो, पूछ ले कैसा लग रहा है। सबको कैसा लग रहा है। सबको अच्छा लग रहा है। हेलो देखो, हेलो बोलो, हेलो करो। नहीं नहीं हाथ से करो, हेलो करो, से हेलो। हम पहुंच गए बेबी। हम पहुंच गए। बोलो हम पहुंच गए बेबी। हम पहुंच गए। Yeah.
रोपवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप इलेक्ट्रिक कार के थ्रू अर्धकुंवारी तक जा सकते हैं, जिसका फेयर 236 रुपये है और 5.5 किलोमीटर का ही टोटल डिस्टेंस है, जो कि सिर्फ 20 मिनट में आपका इलेक्ट्रिक कार के थ्रू कवर हो जाता है। और आप पैदल भी जा सकते हैं जैसे कि हम जा रहे हैं, और काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके साथ ओल्ड एज पीपल या बच्चे हैं तो आई सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिक कार के थ्रू ईजिली पहुँच जाएँ। मंदिर से हमने एग्जिट कर लिया है और अब हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। वो ऊपर आपको दिख रहा है जो भवन है, जहाँ पे हम सुबह हमने चढ़ाई करके जहाँ गए थे और वहाँ से हम वापस आ गए हैं। काफ़ी सारे ऑटो यहाँ पे खड़े हैं अगर आपको यहाँ से ऑटो लेना है होटल जाने के लिए, बट हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, बिकॉज होटल से हमें पिकअप करने के लिए गाड़ी आने वाली है। ये जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मंदिर का जो मेन गेट है, यहीं से हमने सुबह एंट्री करी थी। उस टाइम काफ़ी अंधेरा था तो अभी ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। कोविड टेस्ट जो आप अपना करा के आए होंगे अपनी सिटी से, वो आपको यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट यहाँ दिखानी पड़ेगी और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो भी यहाँ दिखानी पड़ती है। इसके अलावा ऊपर भवन में भी आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप शो करनी पड़ती है।